नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आरती। देश की सियासत में इन दिनों चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लेकर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। जज लोया केस में हार के बाद बौखलाया विपक्ष उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर आया है। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों ने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को सौंप दिया है। ये देश के इतिहास में पहली बार है जब किसी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया हो। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष भी जानता है कि जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया है उसका पास होना न के बराबर है, यानी महाभियोग लाकर कांग्रेस महज राजनीति ही कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जज लोया केस में हार का बदला चीफ जस्टिस से लेने और न्यायपालिका की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि अगर महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो किन केसों पर इसका असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जिन अहम मुद्दों की सुनवाई कर रहे हैं उनमें कठुआ गैंगरेप का मामला है, जिसमें पीड़िता के पिता ने केस को जम्मू कश्मीर से बाहर चंडीगढ़ ट्रांसफर करने की याचिका लगाई है। आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर भी जस्टिस दीपक मिश्रा सुनवाई कर रहे हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस की सुनवाई भी जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, जो समलैंगिक सेक्स को मान्यता नहीं देती। कावेरी विवाद केस मामले में न्यायपालिका के आदेश का पालन नहीं होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना की याचिका पर भी सुनवाई हो रही है। आरोप ये भी है कि कांग्रेस राम मंदिर केस की सुनवाई को टालने के लिए महाभियोग लेकर आई है। हालांकि बीजेपी के लिए सबसे राहत की बात यह है कि खुद कांग्रेस के मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम और सलमान खुर्शीद जैसे नेता इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां भी इससे किनारा करती दिख रही हैं।